नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के ककरोली थाना क्षेत्र के गांव ढांसरी में मानसिक रूप से बीमार वृद्ध गंग नहर में डूब गया। गांव ढांसरी के यामीन पुत्र मिधु 85 वर्ष, कल शाम 4 बजे से घर से लापता था। घर वालों ने काफी तलाश की, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं लगा। वृद्ध के परिवार वालों का कहना है कि वह काफी दिनों से मानसिक रूप से बीमार थे, जिसके चलते उन्होंने यह कदम उठाया। नहर पर चप्पल मिलने से ऐसा लगता है कि उन्होंने बीमारी से दुखी होकर ऐसा किया है। परिवार वालों ने फिर इस घटना की सूचना ककरोली थाना पुलिस को दी। ककरोली थाना अध्यक्ष सुनील कसाना पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां ग्रामीणों व पुलिस के जवानों ने हर जगह ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं लगा। इसके बाद नहर के पास उनकी चप्पल व कपड़े मिले, तभी ग्रामीणों ने नहर में तलाश जारी रखी। मौके पर मौजूद पुलिस बल ने गोताखोरों की मदद से तलाश जारी की, जहां पानी ज्यादा होने के कारण कोई पता नहीं लग पाया। इसके बाद गंग नहर में जोली झाल में पानी के फाटक को बंद कराया गया। गाँव ढांस गंग नहर से तलाश जारी की गई। खबर लिखे जाने तक जटवाड़ा पुलिस चौकी के नहर पुल से आगे तलाश जारी थी। नहर पर कैमरा लगे हुए हैं, नहर पर कैमरा किसी ने चेक नहीं कराया। तो प्रधान जी ने क्या कहा चेक कराने? प्रधान जी ने तो बता दिया खराब हो गया, थाने में बता दिया। थाने में किसी ने बता रहे स्कूल में है, कोई नहीं बता रहा है, कोई स्कूल में बता रहा है, कोई थाने में बता रहा है। जवाब नहीं दे पा रहे, कुछ नहीं आए नहीं यहाँ पे। नहीं, नहर पर यहाँ से आए थे, थोड़ी बहुत देर घूम कर चले गए। हाँ, कुछ नहीं करा यहाँ प्रधान ने भी। गुप्ताखोर को बुलाने कुछ नहीं बुलाया, किसी ने कुछ नहीं बुलाया। नहर भी हमने सुखवाई दिया अपना भी, वहाँ गए थे जटवाड़ा चेक ग्रुप भी लेगा, हमने अपना भी वे खोल ले जी उसके वे पटने से डर जी नहर। डांसरी क्या मामला हुआ है जी? ये कम बुद्धि थे और 4 बजे से घर से निकल गए थे, 4:30 बजे। और बस हम इन्हें ढूंढते रहे, फिर हमने रात को ढूंढा बहुत, वो भी ढूंढे, हमें नहीं मिले बिल्कुल भी। क्या लगे थे आपके? हमारे अब्बा थे जी। तो नहर में आपने इन्हें प्रयास किया ढूंढने का? हाँ जी, बस कर रहे हैं प्रयास कर रहे नहर में जी। पुलिस वगैरह ने सहयोग करी? पुलिस वगैरह ने सहयोग करी जी, हाँ। गांव वालों ने भी सब कुछ कारण था जो ये घर से निकल के यो इन्होंने कदम उठाया? नहीं, कारण कुछ नहीं था जी, बस वैसे बस बीमार थे दिमाग के जी। ना बुखार आया हुआ था, दिमाग का बुखार था? हाँ, बुखार भी आया दिमाग, पहले तो दिमाग की बीमारी थी, फिर बुखार भी आ गया अब जा 2 दिन से। दवाई भी चल रही है सब। कितने बच्चे थे इनके? इनके 6 बच्चे हैं जी। अच्छा, पत्नी है इनकी? हाँ जी, पत्नी है। तो ढूंढने का प्रयास जारी है अभी? हाँ जी, जारी है ढूंढने का। प्रशासन ने क्या कहा जी? प्रशासन ने पूरा कहा जी, पूरी वो करेंगे। तो क्या इससे आगे की फिर क्या हो रहा है? कुछ गोताखोर वगैरह आए यहाँ से? बस अभी तो आए नहीं जी, बस फोन कर रखा था उन्होंने। और कब किया था फोन? हो गया घंटा एक। अच्छा, कल तक आए नहीं? कल 4 बजे से ये वो हैं। हाँ। तो 4 बजे से गांव वाले ही प्रयास कर रहे हैं? हाँ जी। कोई गोताखोर नहीं बुलाया? नहीं जी, वो पता तो नहीं था, सुबह ही तो साबुत मिला जी, वैसे ही ढूंढ रहे थे जंगलों में। कल शाम 4:30-5 बजे से घूम रहे जी जंगलों में, गांव में जी ढूंढ रहे। कल 4:30-5 बजे से घूम रहे जी, उन्हें ढूंढ रहे जी। तो यहाँ से पता लगाते हैं उनके चप्पल और गमछा मिला था नहर पे। तो जब ही पुलिस ने सूचना दी जी 10 बजे, तो यहाँ से पुलिस आई, पुलिस ने अपनी जानकारी करी जी। और अब जो नहर सुखवाई, जब देखे क्या होता है जी। प्रयास कर रहे? हाँ जी, प्रयास कर रहे हैं। हाँ जी, गांव के प्रधान भी आए थे जी। क्या हुआ जी आज यहाँ से? ये पकड़ो ना, वैसे बताओ क्या हुआ है यहाँ? क्या हुआ इसमें? कल से लापता है, इनका ऐलान भी कराया, कुछ नहीं पता चला। गई अब नहर पे इनके गमछा चप्पल मिला, अब नहर में हम ही कुछ ढूंढ रहे, ना कोई यहाँ से गोताखोर आया, कोई भी किसी ने नहीं बुलाया किसी ने। पुलिस आग नहर पकड़ी होगी, अपना कर रहे काम। गाँव वाले ढूंढ रहे और कोई नहीं ढूंढ रहा यहाँ से। गोताखोर को नहीं बुलाया? कोई गोताखोर कोई नहीं आया। लापता इन्हें घंटे, कल 5 बजे से लापता है। 19 घंटे गाँव वाले प्रयास कर रहे हैं ढूंढने के लिए नहर में। देखो सारे बच्चे ऐसे ही है,
हम खुद भी ऐसे प्रशासन से कोई सहयोग नहीं। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।